तो भाई क्या हाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी अब अच्छे होंगे। दोस्तों वीवो ने अपनी V40 सीरीज को अनाउंस कर दिया है कि वो 7 जुलाई को V40 सीरीज को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। बेसिकली वीवो V40 सीरीज में दो स्मार्टफोन्स होने वाले हैं। पहला आपका वीवो V40 होगा एंड दूसरा वीवो V40 प्रो 5G होगा। अब देखो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वीवो की वी सीरीज हमेशा से कैमरास के लिए जानी गई है, मतलब उसके जो कैमरास होते हैं वो काफी टॉप नॉच होते हैं। एंड इस बार भी वीवो की V40 सीरीज कैमरास के लिए ही जानी जाएगी, मतलब इसके कैमरास काफी अच्छे होने वाले हैं। एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार इसके कैमरास में भी काफी बड़ा अपग्रेड किया है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई ये स्मार्टफोन कब आने वाला है, इसका क्या प्राइस रहेगा एंड इसके कैमरास में क्या इंप्रूवमेंट किया गया है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। दो स्मार्टफोन्स होने वाले हैं, वीवो V40 एंड वीवो V40 प्रो। दोनों स्मार्टफोन्स का वेट ऑलमोस्ट 190 ग्राम होगा एंड दोनों की थिकनेस 7.58 mm होने वाली है, जो कि काफी स्लिम स्मार्टफोन है। इवन इसमें आपको 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी भी मिलने वाली है। तो भाई आप खुद सोचो कि एक तो 5500 mAh की बैटरी मिलेगी, दूसरी तरफ ये स्मार्टफोन इतना ज्यादा थिन है, इतना ज्यादा स्लिम है, तो भाई कितना ज्यादा प्रीमियम ये स्मार्टफोन होने वाला है। खैर दोनों स्मार्टफोन्स में आपको एक कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है, दोनों के ही फ्रंट में आपको ग्लास मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल सकता है, बट एक ही कमी है कि दोनों स्मार्टफोन्स में प्लास्टिक के फ्रेम मिलेंगे। भाई अगर ये मेटल फ्रेम होते तो कहीं बेहतर होता। वीवो V40 में डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, जबकि V40 प्रो में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो भाई एक चीज में वीवो वी सीरीज काफी ज्यादा प्रीमियम होती है, वो इसकी डिजाइन, मतलब कहीं से भी आप इसको होल्ड कर लो, काफी ज्यादा आपको प्रीमियमनेस प्रोवाइड करवा देगी। बात करें इनकी डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों स्मार्टफोन्स में 6.78 इंचेस की 1.5K कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। ये एक 10-bit पैनल होने वाले हैं, तो इसमें आपको जो कलर्स मिलेंगे वो काफी बढ़िया मिल जाएंगे, काफी एक्यूरेट कलर्स आ जाएंगे। दोनों स्मार्टफोन्स में 120Hz की रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगी, तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स में स्मूथनेस काफी अच्छी हो जाएगी। साथ ही में दोनों स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है एंड दोनों में ही HDR10+ का सपोर्ट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई बैटरी की तरफ। तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स में इस बार 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है, जो कि 80W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। एंड जो 5500 mAh की बैटरी है भाई, 2 दिन का आराम से आपको बैटरी बैकअप दे देगी। दोनों स्मार्टफोन्स में NFC का सपोर्ट मिलने वाला है एंड अगेन दोनों में से किसी में भी 3.5 mm के ऑडियो जैक प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। देखो स्पीकर्स की अगर बात करें तो हो सकता है इस बार आपको डॉल्बी एटमॉस के डुअल स्पीकर्स देखने को मिल सकते हैं, बट अगर फिर से ये सिंगल स्पीकर्स देता है तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि अगर हम वीवो की हिस्ट्री को देखें तो कुछ लास्ट ईयर से सिंगल स्पीकर्स ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो 20,000 रुपए वाला स्मार्टफोन हो, 30,000 रुपए वाला हो या फिर 40,000 रुपए वाला स्मार्टफोन ही क्यों ना हो। बट एक और इंप्रूवमेंट काफी अच्छा होने वाला है V40 सीरीज में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वीवो V27 हो या फिर V29 हो या फिर V30 सीरीज हो, उनमें हमें IP54 की रेटिंग मिलती थी, यानी कि पानी की छींटों को सह सकते थे, अंडर वाटर सर्वाइव नहीं कर पाते थे। बट इस बार वीवो V40 सीरीज में हमें IP68 की रेटिंग मिलने वाली है, मतलब आप इस फोन को अंडर वाटर भी यूज कर सकते हो फॉर 30 मिनट। तो भाई ये अपग्रेड भी काफी ऑसम है। देखो अगला जो अपग्रेड किया है V40 सीरीज में वो उसके प्रोसेसर में, इसकी परफॉर्मेंस में। बेसिकली वीवो V40 में आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि 4nm पर बेस्ड होने वाला है, जिसमें LPDDR4X की रैम टाइम मिलेगी, UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाएगी, जिसमें आप डिसेंट सी गेमिंग कर पाओगे, मतलब काफी अच्छी गेमिंग कर पाओगे, बट ये प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन नहीं होने वाला है। बट ऑन द अदर हैंड वीवो V40 प्रो में इस बार हमें नया प्रोसेसर मिलेगा, यानी कि इस बार इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 9000+ का प्रोसेसर दिया जाएगा, जो भाई अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, काफी हैवी टास्क के लिए कैपेबल है। यहाँ पर आप हैवी गेमिंग कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वीडियोस के एडिट कर सकते हो, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। परफॉर्मेंस वाइज काफी सॉलिड स्मार्टफोन होने वाला है। बात करें इनके कैमरास की, जहां पर भाई काफी बड़ा अपग्रेड किया गया है, काफी अच्छा अपग्रेड किया गया है। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर वीवो V30 सीरीज इंडिया में लॉन्च हुई थी, जिसमें वीवो V30 प्रो में हमें जीस की ब्रांडिंग देखने को मिली थी, बट V30 में जो नॉन प्रो वेरिएंट था उसमें हमें कोई भी जीस की ब्रांडिंग नहीं मिली थी। बट इस बार हमें V40 एंड V40 प्रो में जीस की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है, मतलब इसके जो कैमरास होने वाले हैं वो काफी तगड़े होने वाले हैं, काफी ज्यादा रियलिस्टिक होने वाले हैं। देखो वीवो V40 में रियर में दो कैमरास मिलने वाले हैं, जिसमें मेन सेंसर 50MP का मिलने वाला है
एंड इसमें आपको सोनी का लेंस मिलेगा। सेकंड 50 एमपी का अल्ट्रा वाइड होगा, वहीं इसके फ्रंट में 50 एमपी का सेल्फी सेंसर दिया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ V40 प्रो में मेन सेंसर 50 एमपी का होगा जिसमें सोनी IMX921 का लेंस दिया जाएगा। सेकंड 50 एमपी का अल्ट्रा वाइड होगा एंड थर्ड 50 एमपी का पेरिस्कोप लेंस होने वाला है एंड इसमें भी सोनी का लेंस मिलेगा। इसके फ्रंट में भी 50 एमपी का सेंसर दिया जाएगा एंड आप इन दोनों स्मार्टफोन्स के रेयर एंड फ्रंट कैमरा से ही 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे। तो भाई जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये स्मार्टफोन 7 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, बट इसका प्राइस क्या होने वाला है? तो देखो, जहां तक मेरा अंदाजा है, इस बार Vivo V40 का प्राइस 35,000 रुपए से कम नहीं होने वाला है। मतलब 35,000 रुपए आप इसका प्राइस मान के चलो, हो सकता है 35,000 से भी ज्यादा हो जाए। एंड Vivo V40 Pro का प्राइस अराउंड 45,000 रुपीज हो सकता है, मतलब 45,000 रुपए इसका स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर की V30 सीरीज इंडिया में लॉन्च हुई थी, जिसका जो V35G था उसका बेस वेरिएंट हमें 33,000 रुपए में देखने को मिला था एंड दूसरा जो V30 Pro था उसका बेस वेरिएंट हमें अराउंड 42,000-43,000 रुपीज देखने को मिला था। एंड इस बार उन्होंने कुछ बड़े अपग्रेड्स भी किए हैं, तो मुझे जहां तक अंदाजा है कि भाई वो 1-2,000 रुपए और एड ऑन करने वाले हैं, मतलब इसके प्राइस को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं।